रतनपुर महामाया मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्कृत विद्यालय में आज बाल दिवस के अवसर पर बाल मेले का आयोजन हुआ। इस आयोजन में संस्कृत विद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्टॉल लगाकर कई प्रकार के व्यंजन बनाए। बाल मेला में महामाया मंदिर ट्रस्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतीश शर्मा के साथ सभी ट्रस्टीगण एवं गणमान्य नागरिक एवं आमजनों ने मेले में अनेकों प्रकार की व्यंजन का लुत्फ उठाया और बच्चों को आशीर्वाद देते हुए सभी स्टाइलों में जाकर खरीदारी की। इस तरह से रतनपुर संस्कृत विद्यालय में बड़े ही धूमधाम के साथ बाल दिवस मनाया गया। रतनपुर से ताहिर अली की रिपोर्ट। विद्यालय द्वारा 14 नवंबर को बाल दिवस में बच्चों ने बहुत बढ़िया तैयारी करके बाल मेला का व्यंजन का आयोजन किया गया था, जिसमें गणमान्य लोगों को इन्वाइट किया गया था यहाँ, और विभिन्न व्यंजनों का 18 से 20 प्रकार का व्यंजन बनाए थे लोग। इसमें छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का भी वो लोग अपने घर से बना कर लाए थे, जिसमें सभी बहुत शानदार अच्छे ढंग से किया गया था। ये संस्कृत विद्यालय में ऐसे हर कार्यक्रम सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम अक्सर होता ही रहता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष। ट्रस्ट के द्वारा हमारा संस्कृत वैदिक विद्यालय जो चला रहे हैं, उसमें आज विशेष रूप से बाल दिवस का उपलक्ष्य में एक स्टॉल का आयोजन किया गया है स्कूल के द्वारा। तो छोटे छोटे हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, सभी ने स्टॉल लगाया हुआ है और बड़ा ही आकर्षित है, आकर्षण के रूप में बना हुआ है, दिख रहा है। और जितने भी बच्चे हैं वो सब अपने अपने हाथ से ही बना के जो व्यंजन लाए हुए हैं, नाना प्रकार के व्यंजन हैं, गुपचुप है, चाट है, समोसा है, कचौड़ी है, ब्रेड पकौड़ा है, चाट है, इस प्रकार से अनेक प्रकार से व्यंजन बना के लाए हुए हैं, जिसे हमारे द्वारा ये सब चीज ग्रहण किया गया है। हमने स्टॉल में जा के सभी के स्टॉल में गए हैं और गुपचुप खाए, चाट खाए, समोसा खाए। जितने भी हमारे ट्रस्टी हैं, पुजारीगण हैं, सहयोगी हैं, ये सभी ने इस तरह का रूप लिए और आनंद उठाए हैं। बाल दिवस मना रहे हैं। क्या क्या कार्यक्रम किए हैं? कार्यक्रम में बच्चों का मेला लगता है स्कूल में। स्कूल का सभी टीचर घूमते फिरते, आस पास के सब बच्चे पूरा सब अच्छे से मनाते हैं बाल दिवस। समोसा रखे हैं, चना चटपटी और बहुत सारी चीजें और कई स्टॉल लगे हैं। बाल दिवस को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाए, इसलिए हम बाल दिवस को मनाते हैं।